राजस्थान में कहा जाता है कि भरतपुर का लोटा जो है वो कब कैसा पाल्टा जो है पैंदा बिना पैंदे का कब किधर गुड़क जाए। वो यहाँ के स्थानीय विधायक और जो मंत्री हैं वो उसकी बिल्कुल जो है प्रतिमूर्ति है। कब वो कहाँ किसके साथ में खड़े होंगे, बसपा में होंगे, कांग्रेस में होंगे, अशोक गहलोत के साथ होंगे, पायलट साहब के साथ में होंगे, शायद या तो वो जानता है या उनका राम जानता है। बोल के जो बातें वो वही बोलना चाह रहा हूँ गजेंद्र सिंह जी को। शेखावाटी की राजनीति जानते नहीं है, शेखावाटी में जन्म लिया है, पैदा होने से नहीं, शेखावाटी के अंदर। मैं कहना चाहता हूँ कि शेखावाटी में 21 सीट है, 3 रिजर्व है, 18 सीट बाकी जनरल है, उनमें आके चुनाव लड़ लो, पता चल जाएगा क्या होता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को बिन पैंदे का लोटा बताने वाले बयान पर सियासी वार पलटवार जारी है। मंत्री गुड़ा के बाद अब उनके बेटे शिवम गुड़ा ने गजेंद्र सिंह पर हमला बोला है। शिवम गुड़ा ने गजेंद्र सिंह को उदयपुर वाटी से जवाब देते हुए 8 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है। जिस अंदाज में गजेंद्र सिंह को निशाने पर लेते हुए चैलेंज किया है उसकी खूब चर्चा हो रही है। जब आप यहाँ पधारे तो आपने स्टेटमेंट दिया कि ये बिना पैंदे के लोटे हैं, तब जिस जाट महासभा को खुश करने के लिए आपने स्टेटमेंट दिया। मैं आजकल सुनता हूँ कि आप मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं, मेरे दाता तो नहीं है। आपकी और हमारी लड़ाई क्या थी? आप मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं साहब, मेरा पता नहीं है। आपके और हमारा, आपकी और हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। लेकिन एक छोटा सा ज्ञान और देना चाह रहा हूँ आपको कि मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ता है। और ये आपको एक निमंत्रण है साहब, बाबू साहब, आपको एक निमंत्रण है कि आप शेखावाटी के अंदर 21 सीटें, जुनू सीकर शुरू 21 सीटें, इनमें से 3 शेड्यूल कास्ट के भाइयों के लिए रिजर्व्ड है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, बाकी बची 18 सीटें जनरल की। आप इनमें से कहीं से भी आके चुनाव लड़के बताओ। और मजा तो तब आएगा जब आप मेरी उदयपुर वाटी से हमारे सामने चुनाव लड़ोगे, और अगर आप जीत गए तो सदा सदा के लिए ये राजनीति छोड़ देंगे, सदा सदा के लिए। खाती को छोलेडो और भाई को बोलेडो, अलग आवाज से लगा दे अलग। कि जब मैं आपके बारे में जानकारी कर रहा था तब मुझे पता चला बाबू साहब कि आपका जन्म 1967 में हुआ है और आप 55 साल के हैं। और तब मुझे एहसास हुआ कि आपने आपकी जिंदगी के जो कागजों में आपने 55 साल की जो आयु आपने दिखा रखी है, आपने आपकी जिंदगी के 55 साल व्यर्थ कर दिए, वो वेस्ट हो गए। और मैं अपने आपको आभारी मानता हूं, एक 17 साल का लड़का मैं, 12वीं का छात्र हूं, और मैं आपको ये राजनीतिक ज्ञान दे रहा हूं आपके गृह जिले और आपके गृह शेखावाटी के बारे में। आप वहां के बेटे हैं, मैं वहां का बेटा हूं, और एक 17 साल का लड़का आपको ये ज्ञान दे रहा है। तो मेरे हिसाब से तो आपके जो राजनीतिक करियर, 2 बार के सांसद, केंद्र में मंत्री, आपको मुझे ज्ञान देना पड़ रहा है। आपको तो राजनीतिक सब, आपके तो जो जिंदगी के जो वर्ष आपने जो बिताए हैं व्यर्थ है। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, जिस दिन को राजपूत आपके सामने खड़ा हो गया जोधपुर से, तो राजनीति करने वाले लोग आपको ढूंढते रह जाएंगे कि गजेंद्र सिंह जी भी हुआ करते थे, गजेंद्र सिंह जी सांसद हुआ करते थे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।